तो गाइस आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी कजन करेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे 5 और मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ ताजमहल। और ताजमहल पहले ही मैं 2-3 बार आया हूँ, लेकिन ताजमहल ना कभी मैंने सनराइज़ नहीं देखी ताजमहल में। तो आज मैं ताजमहल की सनराइज़ भी देखूँगा और आप सबको भी दिखाऊँगा। अभी हमने बैटरी वाली कार्ड ले ली है, अब ताजमहल की तरफ हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ताजमहल की तरफ आस्ते आस्ते। सारे बैठे हैं अपने कार्ड में। तो गाइस अभी ताजमहल पहुंचे थे और वो सनराइज हुई है। इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना, इतना प्यारा। लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा मॉर्निंग में भी। मतलब मॉर्निंग में जब आया हूँ तो मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा। बहुत ज़्यादा क्राउड है और अभी मैं खड़ा हूँ, मेन गेट एंट्रेंस है, वेस्ट गेट से एंट्री ली है हमने और ये एंट्रेंस पर खड़ा हूँ मैं। तो गाइस ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जो ये टॉम दिख रहे हैं ना, ये टोटल 11 इस साइड है और 11 इसके बैक साइड पर हैं, टोटल 22 है, जिससे ये पता चलता है कि ताजमहल 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। तो गाइस इसके लिए फाइनली हम आए थे दी ताज। तो गाइस वी आर इन ताज, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा। बहुत ज़्यादा क्राउड है, मॉर्निंग में भी 7 ही बजे हैं। लास्ट टाइम जब दिन में आया था ना तब देखा था इतना क्राउड मैंने। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। इस टाइम मॉर्निंग में ही हाल है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट में कितना ज़्यादा है। इसकी ब्यूटी ना आप कैमरे में कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं बता नहीं सकता, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जितना मर्जी वीडियो देख लो आपको वो चीज़ ना फील ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस जैसे कि जो अपना आर्ट हुआ हुआ है ये मार्बल में हुआ है। सीरियसली मतलब ये वाला आर्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर है, बहुत माइनर डिटेल्स हैं जैसे आर्ट पे ना, ये डिज़ाइन जो किया हुआ है ये ऑल ओवर द आर्क जा रहा है पूरा यहाँ तक जाके ना पूरा। और ऊपर जो ये आर्क है इसमें अंदर की तरफ ये 3D वाला काम वर्क हुआ हुआ है। ये जालीदार जो काम है मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितना टाइम और कितने एफर्ट्स लगे हैं। तो गाइस अभी अंदर से होके आ गए हम और पीछे ये जमुना जी है, काफ़ी साफ़ हो गई है। पहले लास्ट टाइम में जब आया था तो ये बहुत गंदी थी, लेकिन अभी तो ये साफ़ हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ व्यू कितना अच्छा आ रहा है। बहुत घूम लिया यहाँ पर, अब लोग अब चल चल के थक गए हैं, बहुत सारी फोटोज़ भी क्लिक करी है। अगर आपको फोटोज़ मेरी चेक करनी है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल में यहाँ पर आएगा, इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जाकर चेक कर सकते हो। और मामा जी वहाँ पर है, वो मामा जी खड़े हैं बोरे, वो हमारा वेट कर रहे हैं और मम्मी जी वगैरह वहाँ पर बैठ के हमारा वेट कर रहे हैं। और गाइस एक फैक्ट मैं और बताता हूँ, ताजमहल कौन से ईयर में बन के तैयार हुआ था, इसका एक बेस्ट हैक है कि जो पीछे गार्डन है ना, ये टोटल 16 गार्डन है ताजमहल में, और जो पीछे फाउंटेन्स हैं 53 फाउंटेन्स हैं। तो टोटल 16 गार्डन और 53 फाउंटेन्स, तो 1653 में बन के तैयार हुआ था। ये सबसे आसान है गैस का। तो गाइस अभी ताजमहल पूरा घूम लिया है, अब फाइनली मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टाइम हो गया है 9 बज गए हैं,
तो सुबह 6 बजे से हम लोग घूम रहे हैं और 9 बज गए हैं, अब पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गई है। गाइस ये पूरे ताजमहल का सबसे चौड़ा पेड़ है। तो गाइस अभी ताजमहल से आने के बाद हमें भूख लग रही थी तो हम सीधा आए हैं पुष्पक मिष्ठान भंडार पे। हमने यहाँ पर कचौड़ी ट्राई करी है और पेड़ा ट्राई करी है, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, प्योर देसी घी में बनाते हैं ये, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब हम पीने वाले लस्सी मंगवाई है, लस्सी पीने वाले। तो गाइस अभी लस्सी आ गई है, लस्सी पीते हैं और चलते हैं सीधा घर पे, क्योंकि पापा जी आए नहीं थे, पापा जी के लिए पैक करा लिया है, पापा जी को भूख लग रही है। तो गाइस अब ताजमहल घूम के आ गए हैं, इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुणाल के ब्लॉग्स।